हाँ सर, बहुत सारा क्वेश्चन बन भी जाता है, कहीं कहीं डाउट भी है। ठीक ठीक है, शाम को आज डिस्कस करेंगे। देवयांशी, आपने बनाया है। सर, कैसा लग रहा है? बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलिए ठीक है, शाम को डाउट डिस्कस करेंगे। अभी ये चैप्टर्स कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का ये बेनिफिट है कि ये 11th और 12th दोनों में ही है। 11th में केमिस्ट्री में, 12th में फिजिक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरे बायो वाले सर से हो गया है टाइमिंग का सेटअप, मैं कल से क्लास स्टार्ट। देखते हैं फिर उन सर से, तो ऑफलाइन में फिर स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है या मैं स्टार्ट करूं? तो कल सर 2 बजे से ही ना बायो का क्लास होगा। ठीक तो फिर केमिस्ट्री का दिक्कत होगा। देखते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर तो आप लोग कर सकें। ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको ना छोड़ें, इसका फायदा ज्यादा है। तो इसका हम टाइम सेट कर देते हैं जिससे बायो आपका क्लास ना, फिर उसके बाद उसी टाइम को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में कहा था, क्या था? हमने हमने ये कर लिया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। कैसे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ था? तीन चीजों से, थ्री है ठीक है, थ्री थिंग्स था जिसने डिसाइड किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। क्या क्या? पहला मास, दूसरा दूसरा क्या था? रेडियो एक्टिविटी, और तीसरा क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्चुअल में किसने खोजा था सबसे पहले न्यूट्रॉन को? किसने सर रदरफोर्ड, खोजा? रदरफोर्ड ने सर। दिया, ये क्वेश्चन बार बार आता है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन रदरफोर्ड को हम देंगे उसका क्रेडिट। और उसी ने पहले न्यूट्रॉन, उसे पता नहीं चला था लेकिन उसने खोजा था। बोरोन 11-5 प्लस अल्फा, अल्फा क्या होता है? हीलियम 4-2, क्या बना? 5 और 2 7। नाइट्रोजन 7-14 प्लस न्यूट्रॉन 1-0, यही था। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला इस, उन्होंने ये पता कर लिया इतना कि हमने एक नया चीज बना लिया। क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होंगे, देखो H+O+H, तो ये H2O बनेगा और इसको ब्रेक कर दो तो ये बन जाएगा। जब इसको ब्रेक कर दोगे किसी भी सोर्स से तो फिर यही बनेगा। मतलब एटम चेंज नहीं होते, एटम एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं इसमें, ये है केमिकल रिएक्शन। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती। लेकिन यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्रोटॉन 5 था, अब यहाँ प्रोटॉन 7 हो गया। यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 11 था, यहाँ 14 हो गया। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये एक्चुअली केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ही नहीं। कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स फिजिक्स में फिर ऊपर।
क्या चीज क्या कह रहे थे, हाँ ये न्यूक्लियर रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में, जी हाँ ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो उसको मैं डिटेल में बात। इतनी चीजों में किसी को कोई दिक्कत है? साइंटिस्ट कैसे डिस्कवर करते हैं, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करते हैं, सोच समझ के तब फिर फाइनल। किसी को कोई डाउट तो बोलो। देवयांशी समझ आया? यस सर। ठीक है तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं, अब मैं अगला कॉन्सेप्ट। अभी तक क्या हुआ कि एटम कैसे अरेंज है, ये हमने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे अरेंज है इस पे बात की थी। डिस्कवरी हमारी तीनों हो गई। नाउ अ डेज थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल अब करता हूं। हमने पहले पढ़ा था एटम्स के अंदर कितने हैं एटम। एटम को हमने पहले क्या कहा, इनडिविजिबल। सर आपकी इंडिविजिबल आ रहा है आवाज? यस सर। आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है? ठीक है। हेलो, ठीक है। तो एटम को पहले कहा गया, फिर कहा गया थ्री फंडामेंटल, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब नाउ और डेज, आज के दिन क्या है, कितने पार्टिकल्स कितने 36 सब कितने हैं एटम के अंदर, 36 सब एटॉमिक हम बाहर करें। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर भी डिवीजन। वाह, मजा आया। ये है सर, आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। और ये है सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, वॉइस नॉट क्लियर।
आ रहा है नहीं आ रहा आवाज? अब आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे करते हैं। आज के डेज में हमें क्या पता चल चुका है कि एप्पल की क्या बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिविजिबल। समझ आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिविजिबल। कोई डाउट है? बोलिए। सर फिर से आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। अरे यार इसका क्या करना, तो दूसरा ले क्या? आवाज आप बताओ बच्चों। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? जो चीजें मैंने बताई कि आज के दिनों में कहां इंडिविजिबल एटम की बात कर रहे थे, लेकिन आज के दिन में हमें ये पता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में ब्रेक डाउन। समझ आया? अब एक क्वेश्चन उठता है हमारा, फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इस चीज, न्यूक्लियस के अंदर व्हाई न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, व्हाई इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। कौन बता सकता है इसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं, ऐसा क्यों? सोचो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर, ऐसा क्यों? करें कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, क्यों? देखो ये लिया प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन भी है, चलो मान लेते हैं। न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन। अब हमने क्या देखा? प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियस का साइज किसने खोजा था? सबसे पहले न्यूक्लियस किसने खोजा था? हाँ न्यूक्लियस किस, जी हाँ रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, तो साइज भी उसी ने डिस्कवर। साइज कितना होता है बताना न्यूक्लियस का, और एटम का भी साइज बताना। ये एटम है, एटम का साइज बताना पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एटम का साइज होता है 10^-10 मीटर से 10^-8 मीटर, ये है एटम का साइज। न्यूक्लियस का साइज डेफिनेटली इसका छोटा है, तो 10^-11 मीटर से 10^-14 मीटर तक,
कुछ कुछ बुक में 12 लिखा है, 12 ही रहने दो, क्योंकि बीच में खाली गैप होगा ना कुछ, तो 10^-10 से 10^-1 तक तो एटम का ही साइज है, तो न्यूक्लियस तो उससे छोटा होगा ना, क्या समझे? न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा है? न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा है? 10^-10 टू 10^-14, 10^-14 को क्या बोलते हैं यार? एक बार नीट में ये पूछ दिया, नीट में यही सवाल पूछ दिया, 10^-14 मीटर को क्या बोलोगे? फर्मी क्वेश्चन एक्चुअली ये था ना, 1 फर्मी इज, और ये ऑप्शन दे दिया, ए 10^-14 मीटर, बी 10^-12 मीटर, सी 10^-9 मीटर, और डी 10^-15, ये ऑप्शन दे दिया। ये था क्वेश्चन, फैंटोमीटर कहा जाता है इसका फर्मी भी नाम। क्वेश्चन पूछ दिया नीट में, 1 फर्मी कितना होता है? आया आंसर? यस सर। 1 फर्मी क्या है? न्यूक्लियस का साइज है, और न्यूक्लियस का साइज का हमने रेंज दिया है, न्यूक्लियस का साइज का हमने रेंज दिया है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा छोटा होता रहता है। क्यों? यदि एक ही प्रोटॉन है तो साइज छोटा है, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, और यदि हमने लिया यूरेनियम, यदि हमने लिया यूरेनियम तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा? बोलो यार, कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा यूरेनियम में? क्या पढ़ता है कुछ समझ नहीं आता है। 235 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो क्या साइज सेम होगा दोनों में न्यूक्लियस का? नो सर। तो साइज का रेंज है इसीलिए 10^-14 मीटर से 10^-12 मीटर। समझ आया? यस सर। किस क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं, वो क्वेश्चन कहीं से भी बना, छोटे से छोटे पॉइंट्स, और एक्चुअली ये पॉइंट्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर। तो किसी को साइज ऑफ न्यूक्लियस में डाउट, साइज ऑफ एटम में डाउट, 1 फर्मी में डाउट, या और कोई भी चीज जितना मैंने लिखा है पूछो। आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि जब ये इतना छोटा है, जब ये इतना छोटा है 10^-12 मीटर, और इसके अंदर जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जितने प्रोटॉन है ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या होगा? बहुत 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 हाई रिपल्सन, क्या होगा? हाई रिपल्सन। तो ये सारे हाई रिपल्सन से बाहर चले जाएंगे न्यूक्लियस से, क्या होगा? एक रूम के अंदर 200 आदमी को जमा कर दे और सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, फेंक देगा उठा के खिड़की से, किसी को उधर दरवाजा दीवार तोड़ के फेंक देगा, कुछ तो बाहर चले जाएंगे। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं? न्यूक्लियस में इतना डिस्टरबेंस होगा, इतना इतना हाई रिपल्सन होगा, फिर कैसे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बताओ सर? कोहेसिव फोर्स की वजह से।
अरे कोहेसिव फोर्स कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और कोहेसिव फोर्स है, ये मुझे नहीं आता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, समझाना है। कोहेसिव फोर्स क्या है आद्या, ये बताओ, एडहेसिव एंड कोहेसिव ये क्या होता है बताना, तुमने कहा है कि पढ़ लेते हैं थोड़ा कुछ आ जाएगा समझ। कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स, ठीक है बताओ भाई बताओ, कुछ पता है सर? ऐसी फोर्स जो सेम सर जो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। सेम ऑब्जेक्ट के बीच में भी फोर्स होती है क्या, हो सकती है क्या सेम ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स? ये एक प्रोटॉन है, इसके बीच में ये प्लस 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 सारे हैं, तो इसके बीच में भी फोर्स होगी क्या, टूट जाएगा क्या ये प्रोटॉन दो टुकड़े में? नो सर। तो फिर सर सेम एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में मान लेते हैं H2O, तो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में तो अट्रैक्शन है, तो एडहेसिव कोहेसिव का क्या मतलब? फिर एडहेसिव कोहेसिव का क्या मतलब? आद्या समझाओ एडहेसिव कोहेसिव फोर्स क्या होता है ये? सर सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। चलो उस पर बाद में बात करेंगे, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो बाद में बात करेंगे। ऐसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने जो कहा उससे एग्जांपल दिया, एक कंटेनर लिया, इसमें हमने पानी भर दिया और एक पतली सी नैरो ट्यूब इसके अंदर, तो ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा और मरकरी यदि लेंगे, ये पानी की जगह पर मरकरी लेंगे तो इसका लेवल घट जाएगा, यही होता है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के कारण। अगले दिन आपको समझा, पानी का लेवल या तो बढ़ जाएगा या मरकरी लेंगे तो लेवल घट जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, कांच के ऊपर आप पानी डाल दो, कांच पे वो चिपक जाएगा, और मरकरी डाल दो, मरकरी नहीं चिपकेगा, ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल। तो आपने नहीं बताया है तो मैं क्यों बताऊं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगले दिन आपको बताइए, हो सकता है मुझे क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मुझे थोड़े आएगा, ठीक है मैंने कुछ कुछ आपको हेल्प दे दिए हैं, अगले दिन पूछूंगा। चलो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है दूसरे बच्चे ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? चार्ज अट्रैक्शन, चार्ज एट कॉन्ट्रास्ट, चार्ज अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में होगा, तो ये तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस प्लस 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 इसके बीच में होगा, ये है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर कहां से आया इलेक्ट्रोस्टैटिक? और यहां तो रिपल्सन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी है, लेकिन ये रिपल्सन से तो बाहर जाएंगे ना, अंदर कैसे रहेंगे? अंदर कोई उसको चिपकाने वाला है, निगेटिव है क्या इसके अंदर? यदि इसके अंदर निगेटिव हो, कितना अच्छा हो कि हम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रख दें, जो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, और न्यूट्रॉन को बाहर कर दे, क्या ऐसा है पॉसिबल? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, आपने कहा चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये प्लस चार्ज
ये प्लस चार्ज हो गया माइनस चार्ज, एक दूसरे को अटैक करता रहे क्या, तो पकड़े रखेगा। बताओ भाई इतना पढ़ा है तुम लोगों ने, ये इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है और न्यूट्रॉन अंदर रहता है, क्यों सोचो, नाइट से ही पढ़ते आ रहे हो, प्रोटॉन को न्यूट्रल करने के लिए। तो प्रोटॉन न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन से होगा कि न्यूट्रॉन से होगा, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, जीरो। तो प्लस वाला जीरो वाले से होगा क्या न्यूट्रल, नो सर। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है क्या, होना क्या चाहिए, प्लस और माइनस को अंदर रख दो, एक दूसरे को नेटलाइज कर दे और एक दूसरे को पकड़ के भी रखें। ये सारा फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री में है ही नहीं, न्यूक्लियस का इतना ड्यूप स्टडी केमिस्ट्री में थोड़ा हो, ये फिजिक्स में। चलो इस पे करते हैं, फिजिक्स क्या कहता है, मैं मिटाऊं इन चीजों को, आप लोगों का आंसर आया नहीं, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना तो एडहेसिव कोहेसिव फोर्स है, फिर आगे करते मिटाऊं। चलो अब देखिए, फिर क्वेश्चन हमारा उठता है, क्वेश्चन हमारा उठता है कि सेंटर में ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा एटम, इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहे हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां सेंटर में, क्यों। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हाई इन सेंटर, इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। आर्यन पिछले बार पढ़ाया था, तुम लोगों ने वापस कर दिया मुझे ही, रख लीजिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में रहेगा तो सर कोलैप्स कर जाएगा ना सर, कोलैप्स क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा क्या, कोलैप्स सर, कोलैप्स मींस व्हाट, पढ़े थे ना सर, होता क्या है जब पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो कभी कभी आपने देखा है कि बारिश होती है तो बिजली चमकती है, क्या होता है, बारिश होती है क्यों चमकती है बिजली और उससे क्या होगा, बिजली चमकने का क्या रीजन है, और उससे कभी कभी बिल्डिंग टूट जाती है, जिसके ऊपर बिजली गिरती है वो मर जाता है या और सो, ऐसा क्यों, बादलों को टकराने से, दो बादलों के टकराने से कहते हैं बिजली चमकती है, क्या होता है उसमें, देखो ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जब ये दोनों कोलाइड होंगे तो एनर्जी जनरेट, क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट और इससे डिस्ट्रक्शन, किसी घर पे गिर गया, किसी एनिमल के ऊपर गिर गया या कहीं धरती में गिर गया तो हल्का तहस नहस हो जाता है। तो यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, वेरी हाई एनर्जी और इससे डिस्ट्रक्शन, ये कंट्रोल करना मुश्किल है, समझ आया, इसीलिए कहते हैं खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, घर के अंदर बम फूट फोड़ दे क्या होगा, सारा बर्बाद। तो क्या होगा जब बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा तो डिस्ट्रक्शन, तो क्या इसलिए ये अलग अलग होते हैं क्या, भगवान ने कहा है कि डिस्ट्रक्शन ना हो, आदमी बचे रहे, यूनिवर्स बचा रहे, इसीलिए ऐसा किया है क्या, हम्म,
फिर ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन बाहर है और प्रोटॉन अंदर है? ताकि कुछ विनाश ना हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं चाहते। यदि भगवान चाहे तो एक आदमी ना मरे, चाहे कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए या भूकंप हो जाए या बाढ़ आ जाए, भगवान नहीं चाहते। ये सारा ऑटोमेटिक साइंस की थ्योरी है। खैर भगवान होते होंगे मे भी, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट उसको प्रूफ नहीं कर पाए। देखो होता क्या है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, अब मैं फिर से एक बार पढ़ाता हूं। हमारी धरती जो है उसका साइज कैसा है, डिजाइन कैसा है, कौन सी गैसेस कैसे, ये हमारी धरती का कोर है, फिर ये अदर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, और ये गैस की बेस। हमारी धरती पर क्या है, ये गैसेस, ये कोर है, ये क्रस्ट है। देखो इसमें जो वजन है वो अलग अलग, ये कोर का बहुत हेवी मास है, उसके बाद ये लिक्विड लिक्विड वाला पोर्शन है, और फिर सॉलिड सॉलिड वाला पोर्शन है। मिट्टी लो, पत्थर लो और ईंट लो सेम अमाउंट में, और लोहा लो सेम अमाउंट में, लो वजन करो, क्या सेम वेट होगा? नो सर, अलग अलग वेट होता है। जब एक बाल्टी के अंदर हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें डाल दी, एक बाल्टी के अंदर बहुत सारी चीजें डाल दो, पत्थर डाल दो, रुई डाल दो, लकड़ी डाल दो, कुछ और चीज डाल दो, और उसको बहुत तेजी से घुमाओ, तो क्या देखोगे, भारी चीज बीच में आ गई और हल्की चीज आउटसाइड। जब किसी चीज को गोल घुमाएंगे तो क्या देखेंगे, भारी चीज बीच में आ गई और हल्की चीज दूर गई, तो अर्थ का रोटेशन है। इवन इस गैस में भी सबसे नीचे कौन सी गैस होगी, अलग अलग में अलग अलग गैसेस होंगी, ऊपर हाइड्रोजन होती हैं और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्यों, इसका मास सबसे ज्यादा है। हम लोग जो बेड बनाते हैं सोने के लिए तो थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो वो नीचे जमा हो, तो ऊपर यदि हमारा बेड होगा थोड़ा ऊंचा होगा तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं, इसीलिए बेड की ऊंचाई रखी। देखो उसमें भी साइंस है, तो सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, कहते हैं पेड़ के नीचे यदि आप सो गए ना रात में तो बहुत खतरनाक है, क्या समझे, क्यों, पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, आप भी छोड़ेंगे, पेड़ के सबसे नीचे जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा लेवल हो जाए तो आपको सांस में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी और उससे हो सकता है कि आपको बहुत परेशान, समझ आया। तो जब भी इवन धरती घूम रही है तो धरती के क्रस्ट के नजदीक कार्बन डाइऑक्साइड है और धीरे धीरे हल्की गैस, इसी तरह इसके अंदर भी है।